शराब के नशे में थे ब्रिजभूषण शरण सिंह, इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने किया फुकेट की घटना का खुलासा। यौन शोषण के आरोपों से घिरे बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों ने हल्ला जारी कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल रेसलिंग रेफरी जगबीर सिंह ने ब्रिजभूषण के खिलाफ गवाही देकर मामले को अब और ज्यादा संगीन बना दिया। जगबीर सिंह ने मीडिया वालों के सामने दो घटनाओं का खुलासा किया जिसमें महिला रेसलर के साथ छेड़छाड़ की गई थी। जगबीर सिंह ने कहा कि महिला रेसलर के साथ छेड़छाड़ की पहली घटना का जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि मार्च 2022 में लखनऊ के अंदर ट्रायल चल रहा था, जिसका पूरा होने के बाद ब्रिजभूषण ने फोटो सेशन के दौरान एक हैवी वेट वाली रेसलर को गलत तरीके से छुआ था। महिला रेसलर को उस घटना के बाद घबराते हुए देखा गया और ब्रिजभूषण को कुछ कहते हुए भी देखा गया था। जगबीर सिंह ने इस बातचीत में दूसरी घटना का भी जिक्र किया जो 2013 की है। जगबीर ने बताया कि 2013 की घटना जूनियर एशिया चैंपियनशिप की है जो फुकेट थाईलैंड में खेली गई थी, जहां ब्रिजभूषण और उनके साथियों ने शराब के नशे में बच्चियों को वहां छुआ था जहां नहीं छूना चाहिए था। जगबीर ने बताया कि उस घटना से पहले ब्रिजभूषण ने बच्चियों को इंडियन फूड खिलाने की बात कही थी, लेकिन डिनर से पहले ब्रिजभूषण और उनके साथियों ने शराब पी ली थी। जगबीर सिंह ने बातचीत में कहा कि हमने इन घटनाओं का जिक्र पहले इसलिए नहीं किया था क्योंकि जब तक बच्चियां शिकायत नहीं करती तब तक हमारा कुछ भी कहना ठीक नहीं था। जगबीर ने कहा कि हमारे सामने कई घटनाएं ऐसी हुई है जो गलत थी, लेकिन कोई शिकायत नहीं होने की वजह से किसी भी बच्ची के बारे में या फिर अध्यक्ष के बारे में हम कैसे बोल सकते थे। जगबीर ने आगे कहा कि जब आज बच्चियों ने आवाज़ उठाई है तो हम भी आज बोल पा रहे हैं जो हमने देखा है। जगबीर ने खुद यहां पर फुकेट और लखनऊ की घटना का खुलासा कर दिया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।